गोल्ड मेडल हासिल किया है वो आ रही हैं यहाँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि एक हमारे लिए तो बड़े फख्र की बात है कि हमारी बच्चियाँ इस तरह से स्ट्रांग हो गई हैं कि एशिया की गेमों में वो गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं और लड़कों ने भी। तो मगर यहाँ आकर देखा तो कोई है नहीं, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा बुझ सा गया। अब कबड्डी इतनी गांव के गरीब लड़कों की खेल है, मैं भी गांव का गरीब लड़का हूँ, मैंने भी कबड्डी खेली है। बड़ी जोर इसके लिए काफ़ी दम चाहिए, इसके लिए बड़ी शातिर होना चाहिए। और उसके ऊपर हमारे शैलेश ने एक फिल्म बनाई है बदलापुर की, बदलापुर बॉयज, मैंने थोड़े से अंश देखे हैं उसके भी के लिए, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और मुझे लगा बड़े मौके पे फिल्म आ रही है और मैं दुआ करता हूँ उसकी ये फिल्म खूब चले। आज सर हर एक जो खिलाड़ी है वो आपके हाथों से शायद सुनने में आया कि चेक लेंगे तो उनके लिए खिलाड़ी कहाँ एक ही खिलाड़ी है, वहाँ कैप्टन आया है, उनके लिए बड़े फख्र की बात है। और ऐसा बहुत कम देखा गया है सर कि इस तरह से खेलों को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री, लेकिन आपने मैं आई लव यू सी, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो एथलीट होता। आज मैं भारत माँ के लिए मैं इसी जोश में मेडल लेके आता, जिस तरह मुझे पैशन फिल्मों का है। अगर मुझे कोई पूछे कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो मैं एक अच्छा एथलीट ज़रूर होता। तो पर्सनली आपकी फिल्मों में भी देखा गया है, आपने अपने देखी ना फिल्म, उसमें देखा आपने बॉक्सिंग पे कितनी अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई थी, तो इसी तरह और भी बनाएंगे। सर इस वक्त क्या नया अंदाज आने वाला है, क्या जलवा होने वाला है आपकी तरफ से, कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है? मेरा जलवा तो एक आ रही है चालू है, बड़ा फ्लाइट है, कैसा करूँगा वो रोल में? आपका अंदाज तो अलग ही है। नहीं मतलब फ्लड कैसा लगूंगा? नया अंदाज होगा सर, इट्स अ गुड फिल्म, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हर मर्द तो मर्द जात ही ऐसी होती है ना, वो चोरी से चला हेरा फेरी से नहीं जाते। तो इसमें बीवी बहुत प्यार करती है, उसकी भी कभी लव मैरिज हुई थी, तो इट्स इंटरेस्टिंग फिल्म, सभी काम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म आएगी आप देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मिल लेंगे प्यार से, नहीं अच्छी लगी तो मैं फिर इधर उधर कैसे जाऊंगा। थैंक यू, जीते रहो खुश रहो, बहुत शुक्रिया आप सबको, थैंक यू, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, ओके गॉड ब्लेस। खेल क्या बताएं, अभी तो फिल्म पोस्ट में है, रजाकार एक ऐसा नाम इन्होंने चूज़ किया है जो बहुत लोगों को शायद समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज पे आएगी तब बताएंगे रजाकार का क्या मतलब होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री। अलग जॉनर आपका अंदाज ये अलग है, स्क्रीन पे देखते हैं तो कॉमेडी से हंसी से खिलखिलाते चेहरे पे सीरियस, और इसमें कितने मतलब नहीं, मराठी में तो मैं हर किस्म के रोल करता हूँ, सिर्फ कॉमेडी नहीं करता हूँ, विलन भी किया है, कुछ कॉमेडी से हटके भी काम कर रहा हूँ। जैसे जो करम मूवीज़ हैं जिन्होंने ये बिल्डिंगें भी बनाई हैं और हमारी दो फिल्में भी रिलीज, यानी फर्स्ट लुक आज रिवील हो रहा है, तो हमारी जो रजाकार फिल्म है एक अलग किस्म की फिल्म है, एक हिस्ट्री है जो हम लोग को मालूम नहीं है, यानी आज की यूथ को मालूम नहीं है। और फिल्म तो अच्छी बनी है और आप देखेंगे तो, आज फर्स्ट लुक भी है तो आप देखेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि झाकिर सर, क्योंकि हिंदी में तो सर को हमने बहुत फिल्मों में देखा है, जो वैसे तो उन्होंने कहा कि उनकी शक्ल में लिखा है बुरे आदमी, लेकिन असल में बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे को आर्टिस्ट है, तो एक उनके साथ काम करने में मज़ा बहुत आया। और एक ऐसी फिल्म है जो हम लोग सब देखेंगे तो सच्ची में लगेगा यार कुछ करने के लिए था ये फिल्म में। और एज ए एक्टर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसे हमने बोला कि कॉमेडी के साथ कुछ अलग करना चाहिए, तो ये फिल्म में बहुत सारी चीज़ें करने को मिली, एक्शन है, इमोशंस है और कॉमेडी भी है, कॉमेडी तो अलग तरह उस कैरेक्टर में है, इनके उस कैरेक्टर में है, वो इनोसेंस है, इनोसेंस है, वो हंसी आती है। और सिद्धार्थ ने और हमने एक और फिल्म की है साथ में, हिंदी फिल्म, हिंदी फिल्म की शूटर उसका नाम है, वो आएगी भी पोस्ट प्रोडक्शन में। वो आपके किरदार जब देखे फ्रेंड, ये कितना अलग था, कितना अब ये विलन कितना अंदाज़ा था, ये तो बहुत ही अलग है,
ये तो हिस्ट्री का रियल कैरेक्टर है, वो हिस्ट्री का थोड़ा सा इनपुट है इसमें, जो कि अभी क्या बताएं, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दी, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, जो कि हिस्टोरिकल फिल्म कह सकते हैं हम इसको, हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र के उस हिस्से की हिस्ट्री है ये, तो वो थोड़ा टाइम दीजिए उसके बाद देखते हैं। तो रियल कैरेक्टर है और बेवकूफ़ भी लगेगा, विलेन भी लगेगा, डर भी लगता है उससे, फनी भी है, कॉमेडी नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, बट फिल्म अपने आप में बहुत फनी है, क्योंकि इतना सीरियस सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा फनी एलिमेंट डालना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा बोझिल ना हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर की पहली फिल्म है, तो हम सब लोगों को काफ़ी अच्छे से उन्होंने सबके टैलेंट का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी हैप्पी विद। थैंक यू सर, बोलिए क्या बोल जी। जैसे तो पहली हिंदी फिल्म बदलापुर बॉयज़ जो कि 7 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, और ये हिंदी फिल्म के इतिहास में पहली फिल्म है कि जो कबड्डी पर आधारित है, उसी फिल्म का म्यूज़िक और ट्रेलर रिलीज आज है, जो कि धर्मेंद्र जी के हाथों से हो रहा है, और दूसरी फिल्म रजाकार जो कि मराठी फिल्म है, पीरियडिक फिल्म है, जिसके अंदर सिद्धार्थ जाधव जी और जाकिर हुसैन भाई है, तो ये फिल्म पीरियडिक है, एक जिसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के ऊपर आधारित फिल्म है, एक अलग किस्म की, और उसी फिल्म का प्रोमो भी रिलीज आज धर्म जी के हाथों से हो रहा है। जॉनर अलग अलग है फिल्मों का, दोनों का एक कबड्डी पर है और एक लिटिल सीरियल है, क्या खासियत रही दोनों फिल्मों की? जैसा कि मैंने कहा, बदलापुर पॉइज पहली फिल्म है और ये भी मराठी की ऐसी फिल्म है कि जिसमें आपने सिद्धार्थ जाधव जी को इससे पहले कभी ऐसे रोल में देखा नहीं होगा, इसी तरह की अपनी तरह की एक अनोखी फिल्म है, और कर्म ने फिल्म प्रोड्यूस करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी फिल्म रिलीज करे कि जो ये जो रेगुलर फिल्में आती है उनसे हटके हो। कब तक रिलीज करने का इरादा है सर? जनवरी में शायद मराठी हो जाएगी हमारे पास रजाकार। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे दोनों फिल्मों को लेकर? बस दोनों भी फिल्में बहुत अच्छी है, आप जाइए थिएटर में जाकर दोनों फिल्में देखिए और कैसा रिव्यू है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। कबड्डी पे बनी हुई फिल्म है, और सिर्फ कबड्डी नहीं है, बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारा इमोशन है, रोमांस है, और डेफिनेटली इंस्पिरेशनल फिल्म है, जैसे खेल पे फिल्में बनती हैं, अंडरडॉग्स कैसे जीत के ऊपर आते हैं, वैसी ही फिल्म है। मैं नहीं कहूँगा बहुत खास फिल्म है, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि थोड़ी सी खास है। हमने कोशिश की है, बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन डेफिनेटली उम्मीद करते हैं कि छोटी सी कोशिश बहुत बड़े सहयोग से बहुत बड़ी बन जाए। हमारी फिल्म एक फ्रेज से शुरू होती है जिसमें हमने कहा है कि किया गया प्रयास बड़ा होता है, बड़ा है या छोटा, सफल है या असफल, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है। तो जिस तरह से मेरी फिल्म शुरू होती है कि छोटे से प्रयास, किया गया प्रयास छोटा है या बड़ा, ये इस बात से डिपेंड नहीं करता कि किस लेवल पे किया गया है, डिपेंड इस बात पे करता है कि कितनी शिद्दत से किया गया है, कितनी ईमानदारी से किया गया है। तो हमने एक छोटी सी फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई है। हम छोटी इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि फ्राइडे को जो लोग बुलाने के लिए चेहरे यूज़ करते हैं, हमारी फिल्म में वो चेहरे नहीं हैं, लेकिन वो स्क्रिप्ट है, वो मेहनत है, वो शिद्दत है और वो ईमानदारी है। 7 नवंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म, मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि हमें आए, ब्लेस करें फिल्म के लिए। हाय, मेरा नाम निशान है और ये मेरी फिल्म बदलापुर बॉयज का म्यूजिक रिलीज है, आप देख रहे हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की क्योंकि कबड्डी के ऊपर फिल्म है और सब नए लोग हैं एंड डायरेक्टर भी नए हैं, सो हमने अपने ईमानदारी से जितना कर सके हमने किया, और आप लोगों के ऊपर है, प्लीज़ आइएगा, देखिएगा, बुरा लगे तो देख कर गाली दीजिएगा, आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म में ओपन, आप बोल दीजिएगा इनको काम नहीं आता, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आप लोग आइएगा ज़रूर, प्लीज़ देखिएगा और ख़ुद डिसाइड करिएगा कि
कि हमारी मेहनत ठीक है कि नहीं। आप किरदार की अगर बात करो, कितना पावरफुल किरदार है, कबड्डी का नाम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग अदर नजर आती है। मेरे कैरेक्टर का नाम विजय है और प्रोटैगनिस्ट यही है और रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी बहुत ही सॉलिड है एंड तो ये तो जिम्मेदारी तो है बहुत एंड मेहनत से की है। अब उसके बाद जो फल है वो ईश्वर ही देगा। 16 फिल्म कर चुके साउथ की और बॉलीवुड की पहली एक हिंदी फिल्म। नहीं, बॉलीवुड में मैंने डेबिट की थी इससे पहले छोटे से रोल में एंड लीड में फर्स्ट टाइम। हाँ तो लेकिन अब है थोड़ा बहुत टेंशन तो होता है, नर्वसनेस होता है एंड बट आई एम श्योर लोग वो नहीं देखते कि आप कहाँ से हो क्या हो, लोग देखते हैं कि आप, क्योंकि 5 मिनट आप हॉल के अंदर एंटर होने के बाद आप भूल जाते हो कौन कहाँ से है, आपको कैरेक्टर पता होता है, स्टोरी पता होता है, अब वो कैरेक्टर और स्टोरी जचता है तो आपको अच्छा लगता है, हिट होती है, नहीं तो नहीं। तो हमने अपनी मेहनत से की है एंड रिक्वेस्ट है आइएगा प्लीज़ एक बार देख कर, अच्छा भी नहीं लगा तो देख कर मना कीजिएगा लेकिन देखिएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। अरे मैंने दे दिया, चलो बोलो आप आ जाओ जरा। क्वेश्चन कर रहे हैं मैम, आपसे पूछना चाहेंगे आज आप बदलापुर बॉयज में मैं निशान जो हीरो प्ले कर रहा है उसकी मदर का कैरेक्टर है और इसमें एज स्पैन है जो निशान पहले छोटा बच्चा होता है और बाद में बड़ा हो के कबड्डी प्लेयर बन जाता है, तो एक अच्छा खासा कैरेक्टर है जो काफ़ी सीरियस भी है और बेटे को अपने दुख से दूर रखने की कोशिश करती है ये माँ। और मुझे लगता है कि ये माँ के कैरेक्टर्स अभी आजकल हिंदी सिनेमा से थोड़े से गायब से होते जा रहे हैं, जो चाहिए क्योंकि संस्कारों के लिए थोड़े अच्छे वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी है एक माँ का किरदार भी रहना। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, सारे कलाकार बहुत ही टैलेंटेड रहे हैं, दो दे आर न्यू कमर्स लेकिन सब FTI ट्रेंड है और बाकी जो अपने सीनियर एक्टर्स हैं अनु कपूर जी हैं, अमन वर्मा है या अपने विनीत शर्मा हैं, तो काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं इसमें। और एक आज के दौर के सिनेमा है, मैं कहूँगी कि आज जो कबड्डी का एक दौर चल रहा है कि एशियन गेम्स में भी हमारी टीम्स मेन एंड वुमेन दोनों ने गोल्ड मेडल ले लिया, तो एक अच्छा दौर चल रहा है, कबड्डी एयर में है एंड लोगों को पसंद आ रहा है और अपनी मिट्टी का गेम है, कुछ इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो कबड्डी खेलने के लिए स्क्रीन पे मुझे लगता है कि ऑडियंस ने ये फिल्म भी देखनी चाहिए और इस फिल्म के जरिए हम कबड्डी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये फिल्म अप्रिशिएट होगी। आप किस तरह का किरदार अदा करती हैं? मेरे कैरेक्टर का नाम मंजरी है और इलाहाबाद की रहने वाली ये लड़की है। जयपुर में हमने इस कैरेक्टर का शूट किया था एंड बहुत ही सिंपल सटल स्वीट कैरेक्टर है ये, जो कि हीरो जिसका नाम विजय है फिल्म में उसको सपोर्ट करती है बहुत, उसका लव इंटरेस्ट में बनती है फिल्म में और कहानी में कैसे उनकी केमिस्ट्री बढ़ती है। और इट्स अ वेरी नाइस रोल दैट आई प्लेड आफ्टर प्लेइंग रोल्स इन विक्की डोनर एंड मिकी वायरस लाइक टॉम बॉय एंड ऑल दैट। आई फील कि ये रोल एक ब्रेक मुझे देने वाला है विद द स्वीट एंड सिंपलिसिटी दैट आई एम प्लेइंग इन द कैरेक्टर। फाइनली आप दोनों ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? हम यही कहेंगे कि 7 नवंबर को ये बदलापुर बॉयज रिलीज़ हो रही है और एक जोशपूर्ण फिल्म है, तो लोगों ने इसे देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत मेहनत से बनाई है ये फिल्म डायरेक्टर शैलेश वर्मा और जो कर्म मूवीज़ हैं इन्होंने मिलके बहुत एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है और कबड्डी जो अपना नेशनल गेम है उसको इनक्रेज करने के लिए ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। हमारी फिल्म बदलापुर बॉयज़ जो कि डायरेक्ट की गई है मिस्टर शैलेश वर्मा एंड प्रोड्यूस की गई है करम फिल्म्स के द्वारा, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी ऑडियंस कि 7 नवंबर 2014 को जाकर देखें। ये कबड्डी बेस्ड फिल्म है, ये है कबड्डी बेस्ड फिल्म पर इसमें आपको हर इमोशन मिलेगा, कॉमेडी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नई तरीके की कॉमेडी, बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल, लव रोमांस एंड हार्ट ब्रेक्स एंड थ्रिलर एंड एक्शन आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग ये जाकर देखें इस फिल्म को और इन्जॉय करें, बिकॉज आई थिंक आप जो भी ऑडियंस इस फिल्म को देखने जाएगा वो इस फिल्म के साथ बाहर आकर ये नहीं कहेगा कि उन्होंने अपना